सच बोलूं तो मैं थोड़ा सा और ये टर्नआउट की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि बॉयकॉट का कॉल था नहीं, कहीं से हमले नहीं हुए, कहीं से वोटरों को दबाने और धमकाने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन मुझे लगता है कुछ हद तक इसमें मरकज़ की हुकूमत का भी कसूर है। उन्होंने जगह जगह हाई टर्नआउट को एक नॉर्मल सी के तरह पेश करने की कोशिश की कि देखो जी, लोग वोट में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए लोगों ने तस्लीम किया है कि वो 370 के हटाने से खुश हैं और मुतमईन हैं। शायद इस बात का रिएक्शन श्रीनगर में हुआ, क्योंकि श्रीनगर के लोग गलत मैसेज या गलत सिग्नल नहीं भेजना चाहते थे। इसके साथ साथ मरकज़ की हुकूमत ने एक और गलती भी की, उन्होंने वो डिप्लोमेट्स की टीम लाई और वो शायद ये दिखाना चाहते थे श्रीनगर के हवाले से कि देखो जी, श्रीनगर में इतनी बड़ी तब्दीली आई। तो श्रीनगर के लोग चाहते नहीं थे कि उनको इस तरह इस्तेमाल किया जाए और उन्होंने कम तादाद में वोट डाले, लेकिन तब भी जितनों ने डाले मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, इस बात के बावजूद कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को डाले, नोटा डाले या किसी और को डाले, डालने की उन्होंने 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 वो घर से आए डाले वोट, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अब थर्ड फेज अगर आप देखें, बारामूला, कुपवारा, बांडीपुर जिले जो हैं, ट्रेडिशनली इन्होंने बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा लिया है। सबसे मतलब मुश्किल दौर में भी इन इलाकों से अच्छे खासे तादाद में वोट जो हैं आए हैं। इस बार भी हम उम्मीद करेंगे कि वोटर जो है अपने वोट का इस्तेमाल करेगा, और उसके साथ साथ थोड़ी सी खुदगर्जी है लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ेंगे, और जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार नहीं है वहां कांग्रेस को पड़ेंगे।